अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्कों खुसूसन जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। बाबा जी, आपका नाम क्या है? शेख फरीद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मानसेरा से। आपकी उम्र तकरीबन कितनी है? 70 साल 75। ये ज़िंदगी के 70 साल कैसे गुजरे? इधर ही बैठ के गुजारे। इधर ही यही काम करता रहे हूँ। जवानी कैसी गुजरी आपकी? जवानी भी सर इसी जी थे। जवानी सो सेहत वगैरह कैसी है आपकी? अभी सेहत ठीक नहीं है जी, घुटने में वक्फा हो गया है, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ, गोडे नवे डालो, वो 1,25,000 रुपया मंगते। मैं क्या 5 लाख, मेरे को 5,000 ही नहीं है, मैं 1 लाख के दे। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 70-75 साल है, 75 साल तक है। अच्छा, 75 सालों में सबसे अच्छा वक्त कब गुजरा? बस शुरू में जवानी में अच्छा ही था जी, अभी नहीं है। शुरू में ठीक था, शुरू में काम शाम में दबा के कर लेना सर, मजदूरी भी कर लेना सर, शरीय काम भी कर लेना सर, होने मेरे से भी बड़ा हो गया है। अच्छा, ये मजदूरी काम काज करने की नौबत क्यों पेश आई? बस मैं शुरू में अनपढ़ था ना जी, किसी काम के लिए नहीं था ना, कि दफ्तर में नहीं लग सकता था, ना ही किसी ने लगाया है, फिर मजदूरी करता रहा। आपकी ये उम्र आराम करने की नहीं है? ये तो आराम किया, आराम किसे कैसे करूँ, खाऊँ कैसे, मांगता मैं नहीं हूँ किसी से, अपनी मेहनत करता हूँ। अल्लाह ने औलाद जैसी नियामत से नवाजा तो होगा। औलाद से नरमत होती है जी। औलाद नहीं है? औलाद है, लेकिन वो उनके आगे बच्चे, उनका काम तो पूरा ही नहीं हो रहा। हाँ जी, उन दो मेरे से भी बदतर हो गए। आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जिम्मेदारी उनकी है जी, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर बैठकर कभी महसूस होता है थक जाते होंगे, आराम करने का दिल करता है? आराम तो दिल करता ही है ना जी, और क्या करा, फिर मजबूरी है ना, मजबूरी है ना जनाब, मजबूरी ना हो तो मैं क्या करा, खुशी ना दरी ना बैठे हैं, खुशी ना नहीं बैठे हैं। मैं 9 बजे बंद करता, फिर और मोटरसाइकिल वाला मैंने घर लेके जासी, 50 रुपया किराया देता है, गुजारा हो जाता है। कैसे गुजारा करते हैं? वापसी से नहीं गुजारा होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, ऐसे छोड़ के हमारा घर अपना है। घर किसी के घर में रहते हैं, वो बेचारे अच्छे हैं, किराया देकर रहते हैं, मुफ्त रहते हैं, किराया भी रहते हैं, तो समझो मुफ्त ही है, वो हमारे से बिल शिल नहीं लेते। अच्छा, बस बिल नहीं लेते, सिर्फ किराया लेते हैं। हाँ, ये तरबूजे जो हैं, ये दिन में कितने एक बेच लेते हैं? 8-10 दाने बिक जाते हैं, लेकिन आज ज़्यादा नहीं बिके, आज पड़े हैं सही। जिस दिन बिकते नहीं है मायूसी होती है, परेशानी होती है, क्या करिए फिर, फिर काल के लिए फिर वही साथ है। अपने ही नालात से कभी मायूस हुए, कभी रोए अकेले में? बस रोया तो रोना भी रहा जी, इतने एक मियाँ भी आए जी, उनके सामने रो रहा था, बोलते क्या बात है भाई, बात यह है घर में बीवी लड़ रही है, तो क्या करें, उसको मार भी नहीं सकता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया और परेशानी नहीं बताई मैंने। मैं क्या, हर घर में झगड़े होते रहते हैं। तो बीवी से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? 7 साल हो गए खोद है। तो हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे इस पर? मेहरबानी हो सके तो ठीक है ना जी, हो जाए तो मेहरबानी है, फिर घर में बैठ जाऊँगा। कुछ वजीफा मिलता है आपको कहीं से? कोई एकाना भी नहीं देता जी। कितने 1,000 रुपये में आपका गुजारा हो सकता है महीने का? ये देख लें, आप खुद ही समझदार हैं, महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, 150 रुपये किलो चीनी है, इस तरह की हर शहर महंगी है। ये दिन में ये कितने रुपए की सेल करते हैं, कितने ये तरबूजे बेचते हैं? ये 5-6 दाने बिके हैं ना जी, आज मैं 20 दाने लेके आया था, 5-6 दाने बिके, आज मौसम खराब था, आज बिक्री कम हुई है। ये हालात हैं जी पाकिस्तान के। इन बाबा जी की उम्र 75 साल है, 80 साल के होने वाले हैं, और इस उम्र में भी बैठकर
मजदूरी करते हैं और इनके चेहरे में आप मायूसी देख सकते हैं। रात होने को है, मगरिब हो चुकी हुई है और ये तरबूजे बेचकर ये गुजारा करते हैं इस बीमारी और बुढ़ापे के आलम में। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।